सो गाइस, डेंजर यानी डेविल टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने के लिए मुझे आजकल बहुत सारा कमेंट आ रहा था। और आज के इस एडिटिंग वीडियो में हम आप लोग को सिखाएंगे कुछ इस टाइप का टाइगर क्रिएटिव डेंजर फोटो एडिटिंग, जो कि दिखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और इस तरह का फोटो एडिटिंग आप लोग सिर्फ और सिर्फ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में। तो कैसे करना है इस तरह का एडिटिंग, प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मेरे भाई, आप लोग फोन को रोटेट करके देखें ताकि और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अपने गैलरी वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है, अपने गैलरी वाले ऑप्शन पे। और गैलरी में जो भी फोटो रहेगा सिंपली उस फोटो को ओपन कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने गैलरी में पहले से ही इस फोटो को ओपन करके रखा था। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस फोटो पे आज हम आप लोग को एडिट बताने वाले। तो सिंपली इस फोटो को सेंड कर देंगे हम यहाँ शेयर वाले ऑप्शन से पिक्सआर्ट ऐप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये रहा पिक्सआर्ट ऐप, तो सिंपली हम इसमें शेयर कर देंगे एकदम आराम से। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि फोटो एडिट करते हो तो आप लोग जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो एडिटिंग का सारा कुछ ऑप्शन आ चुका है, लेकिन क्या क्या करना होगा अभी आप लोग को ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप लोग को रिमूव वाले ऑप्शन पर जाना है और आपका डाटा ऑन रहना चाहिए। उसके बाद साइज को हल्का बड़ा कर लेंगे, जैसे कि 50 के राउंड कर लेंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पूरे बॉडी पर अप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी पर। और मैं बता दूँ कि बैकग्राउंड पर थोड़ा थोड़ा चढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड पर चढ़ाना ही है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं चढ़ाना, नहीं तो बैकग्राउंड को भी खराब कर देगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग बहुत ही आराम आराम से कर लीजिएगा, एकदम आराम आराम से। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको, और इसको करने के बाद नीचे में आप लोग को मिल जाता है एक रिमूव का ऑप्शन, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही क्या होगा कि आपका जो मॉडल होगा, जिस चीज़ पे अप्लाई किए रहिएगा, वो चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगा इस फोटो में से। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे गायब हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बचा है तो बैकग्राउंड बचा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड को एडिट करेंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ से कर देना होगा डन, और डन करने के बाद सिंपली देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड ही बचा है, तो इसको एडिट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को इफेक्ट यानी इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, दूसरा नंबर, ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे। और जाने के बाद ब्लर वाले ऑप्शन पे जाके, और सबसे ऊपर में ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है एक, वहाँ पे क्लिक करेंगे। और ब्लर अमाउंट को कितना पे रखना है आप लोग को बता दूँ कि ब्लर अमाउंट को आप लोग को ज़्यादा ही रखना है, जैसे कि 24 के राउंड रखेंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे ना, ऊपर में आप लोग को बीच में इरेज वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ये रहा इरेज का ऑप्शन। तो सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्या करना होगा, यहाँ से राइट साइड में नीचे से कर देना होगा इन्वर्ट। और इन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, अभी हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और हार्डनेस को इस पर क्या करेंगे, हल्का बढ़ा देंगे, जैसे कि 98 के राउंड रखेंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड पे अप्लाई कीजिएगा। और मान लीजिएगा अगर आपका फोटो सेम टू सेम ऐसा ही पोज में है, जैसे कि कोई भी चीज़ पे बैठे हुए हैं, तो नीचे साइड से उसको ब्लर नहीं कीजिएगा, जैसे कि दीवार है नीचे जिस पर बैठा था मॉडल, उस पर हम मतलब उस पर ये अप्लाई नहीं करेंगे, उसको ब्लर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पास में था तो वो ब्लर नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से इसको इतना कर लेंगे, ये भी आराम आराम से। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से राइट साइड में ऊपर डन वाले ऑप्शन से यहाँ से कर देंगे इसको डन। और डन करने के बाद एक बार आप लोग को फिर से कर देना होगा डन, ताकि सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अभी आप लोग फिर से देखते रहिए ध्यान से, नेक्स्ट काम क्या करना है, आप लोग को फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे ही जाना होगा। तो यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और जाने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, बी एन डब्ल्यू वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। और यहाँ से आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन बी एन डब्ल्यू आईकॉन का जो ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करेंगे, यानी फोटो को पूरा अंधेरा कर देंगे अभी बैकग्राउंड को। और उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली फिर से कर देंगे हम डन, ठीक है, डन कर दिए हैं। और डन करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाके, और जाने के बाद अभी हम उसी फोटो को फिर से ऐड करेंगे जो फोटो को सबसे पहले ऐड किया था। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, साइज़ को फुल साइज कर लेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड के पूरा परफेक्ट साइज़ यहाँ पे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद क्या करेंगे, अभी हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो वक्त सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसको बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड डार्क हो रहा है और यहाँ पे इरेज का ऑप्शन खुल जाएगा। तो हार्डनेस को आप लोग को रख देना होगा 98, और 98 हार्डनेस को रखने के बाद साइज़ को छोटा कर लीजिएगा, हल्का छोटा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मतलब ये ऑप्शन को गायब कर देना है। उसके बाद एकदम आराम आराम से इसको सिर्फ और सिर्फ अपने बैकग्राउंड पे अप्लाई कीजिएगा, कपड़ा या फिर अपने बॉडी पे अप्लाई नहीं करना है। और देख सकते हो आप लोग, इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी आप लोग फिर से ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ से डन,
डन कर देंगे, और डन करने के बाद फिर से इसको कर देना होगा डन, ताकि ये सेव हो जाए एकदम अच्छे तरह से। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना होगा ना आप लोग को, आप लोग फिर से ध्यान से देखते रहिए, फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक शैडोज का PNG है, सिंपली हम इस PNG को ले लेंगे, और जो भी PNG बैकग्राउंड का यूज़ करूँगा इस फोटो में, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, ठीक है भाई। और इस PNG का साइज़ हम फुल कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि मैंने अभी किया है। उसके बाद क्या करेंगे ना, इसको भी एडजस्ट करना होगा, तो इसको कितना पे रखना है इतना पे मैंने रख लिया है। उसके बाद फिर से इसको इरेज वाले ऑप्शन पे जाके, अगर ये शैडोज फेस पे आ जाता है तो सिंपली इसको फेस पे से हम कर लेंगे इरेज, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से कर लेंगे इरेज, नहीं तो फेस भी काला काला हो जाएगा, तो काफ़ी बेकार लगेगा दिखने में, ठीक है भाई। उसके बाद फिर से कर देंगे इसको भी डन, और डन करने के बाद फिर से एक बार और डन करना है इसको सेव करने के लिए, और इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट काम इसमें क्या करेंगे, अभी हम फेस को गोरा करने वाले हैं, तो फेस को गोरा करने का ट्रिक मैं अभी आप लोग को बता दूँ, तो यहाँ पर आप लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर एडजस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा, ठीक है, और ब्राइटनेस को यहाँ पे हल्का बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि +13 या फिर 15 के राउंड रख सकते हो। उसके बाद सेचुरेशन को आप लोग को कर देना होगा माइनस, यहाँ पे माइनस हल्का ही करेंगे 17। उसके बाद हाईलाइट को करना होगा प्लस, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि नहीं तो फेस ज़्यादा गोरा हो जाएगा। उसके बाद फिर से इरेज वाले ऑप्शन पर जाके, और यहाँ से कर देंगे इन्वर्ट, और इन्वर्ट करने के बाद फिर से करेंगे यहाँ से रिस्टोर, और हार्डनेस को क्या करेंगे हल्का बढ़ा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, अब इसको सिर्फ और सिर्फ स्किन पर अप्लाई करना है, ठीक है, साइज हल्का छोटा कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसको स्किन पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्किन पे अप्लाई करते ही स्किन कितना अच्छा तरह से गोरा हो रहा है। तो ये कैसा लगा आप लोग को ये गोरा करने का ट्रिक, यानी स्किन को गोरा करने का ट्रिक, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है भाई। तो इसको भी एकदम आराम आराम से कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन पे अप्लाई करके। तो मैंने स्किन को गोरा कर लिया है एकदम अच्छे तरह से। उसके बाद फिर से इसको सेव करने के लिए यहाँ से कर देना होगा डन, और डन करने के बाद एक बार और कर देंगे डन, ताकि ये और अच्छे तरह से सेव हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, फिर से अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मेन काम करना अभी बाकी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी आप लोग को फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम PNG सबको एड करेंगे। तो सबसे पहले कौन PNG को एड करेंगे, यहाँ से टाइगर PNG को, जो कि इस फोटो में काफ़ी डेंजर लुक लाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइगर PNG को एड कर लेंगे, और एड करने के बाद साइज को हल्का बड़ा कर लीजिएगा, और इधर घसकाइएगा, और ब्लेंड वाले ऑप्शन पर आइएगा, और इसको कर देंगे हम यहाँ से स्किन, ठीक है, यहाँ से स्किन कर देंगे। बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप लोग स्किन कर दीजिएगा, और अपने फोटो के साइड में किसी साइड में जूम करके टाइगर PNG को यहाँ पे बना लेंगे, मतलब रख देंगे, ठीक है, एकदम अच्छे तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी एडजस्ट करना होगा, तो उसको करने के लिए आप लोग को फिर से जाना होगा इरेज वाले ऑप्शन पे, और जाने के बाद क्या करेंगे, नीचे भी आप लोग को इरेज वाला ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर क्लिक करके हार्डनेस को बढ़ा लेंगे, और साइज़ को क्या करेंगे छोटा कर लेंगे, ठीक है, साइज़ तो अभी हम उतना ही रहने देते हैं, आप लोग छोटा कर लीजिएगा। उसके बाद अपने स्किन या फिर अपने बॉडी पर ये PNG आ जाएगा, तो उस पर से एकदम आराम आराम से इरेज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा खाली करके इरेज कर लेता हूँ, मतलब एक्स्ट्रा में, उसके बाद फिर से इसको हम अच्छा तरह से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ज़्यादा इरेज कर लिए हैं। उसके बाद क्या करना होगा, रिस्टोर वाले ऑप्शन पे जाना होगा, और जाने के बाद क्या करेंगे ना, अभी हम जो एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर दिया है उसको एकदम आराम आराम से यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इसको भी एकदम आराम आराम से कर लीजिएगा आप लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो जल्दीबाजी करेंगे तो फोटो ख़राब हो जाएगा, अच्छे तरह से आप लोग एडिट नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं। और ये टाइगर PNG एड करने के बाद फोटो में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जान आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी सेव करने के लिए करना होगा यहाँ से डन, और डन करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से इसको कर देंगे डन, ताकि ये भी सेव हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग डन नहीं करेंगे तो भी ऐड कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं डन ही कर देता हूँ, ठीक है, डन कर देंगे। और डन करने के बाद फिर से आप लोग को नीचे में ऐड फोटो वाला ऑप्शन जो मिल रहा है, जैसे कि पहले भी कितना बार जा चुके हैं अभी, तो यहाँ पर फिर से जाएंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर। यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरा कोई PNG को ले लेंगे, वो भी फायर PNG होना चाहिए, तो सारा PNG का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर इस PNG को ले लेते हैं, और लेने के बाद क्या करेंगे, साइज़ को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे, पूरा फुल साइज कर लीजिएगा अपने फोटो के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से हम आएंगे यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद फिर से कर देंगे स्किन, और स्किन करने के बाद यहाँ से एक काम और करना होगा, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से कॉन्ट्रेस्ट को हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है, ये रहा कॉन्ट्रेस्ट का ऑप्शन, और इसको हल्का बढ़ा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा आप लोग भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से ऊपर में डन वाले ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, सिंपली यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद इसको भी हम फेस पर से इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से इरेज वाले ऑप्शन पर जाना होगा, तो यहाँ पे चले जाएंगे, और चले जाने के बाद अगर फेस पे या फिर बॉडी पे ये लाइट PNG अगर आ जाता है, यानी फायर लाइट PNG, तो उसको हम एकदम
अच्छी तरह से कर लेंगे इरेज तो ही अच्छा लगेगा दिखने में, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अच्छा लगेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा हमको चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकदम अच्छी तरह से बॉडी पर से भी इरेज कर लिए हैं। और इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से कर देंगे हम यहाँ से डन। उसके बाद एकदम अच्छी तरह से सेव करने के लिए फिर से करना होगा यहाँ से डन। उसके बाद इसमें एक काम और बाकी, सिर्फ और सिर्फ एक काम, तो वो कैसे करेंगे अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जाने के बाद नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है पहले से और अभी भी मिल रहा है। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे कलर रिप्लेस वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और बीच में छोटा सा राउंड का ऑप्शन आएगा, इसको अपने कपड़ा पे कुछ इस तरह से रख देंगे। और रखने के बाद क्या करेंगे, रिप्लेस ह्यू को आप लोग जिधर घुमाइएगा उधर कपड़ा का कलर चेंज होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम रेड कलर रख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, आप लोग भी रेड कलर ही रख लीजिएगा अगर सेम सेम फोटो एडिट करना चाहते हो। तो उसके बाद डन करके देख सकते हो फाइनली बिफोर और यहाँ पे आफ्टर फोटो में कितना ज़्यादा चेंजिंग आ चुका है। और इस तरह का फोटो एडिटिंग करना यार कितना आसान था, आप लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद क्या करना होगा, इस फोटो को बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर में मिल जाएगा सेव का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटो जो होगा एकदम बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग समझ में आ गई होगी और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।